हेलो है, वेलकम टू माय चैनल द जर्नी ऑफ अरेंज लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसके पीछे ऑलमोस्ट आप ही का ही हाथ है। मैं जॉब की वजह से अपना फुल टाइम उसे यूट्यूब को दे नहीं पाती, बट फिर भी आपने प्रतिसाद अच्छा दिया है और अपने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। और आपको मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल में आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, फूड के रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड। सो आपको मैं जो मेरी एक्चुअल लाइफ है वो सब दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाती, बट यस, जो मेरे स्पेशल मोमेंट्स रहते हैं वो मैं आपको इस मेरे व्लॉग के तरीके से दिखाने की कोशिश करती हूँ। सो आज का टॉपिक, जैसे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू सिलेक्टेड इन आदित्य बिरला। और आप आदित्य बिरला के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो आपको एज अ जॉब प्रोस्पेक्टिव काम में आ सकता है। इस पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो वो शॉर्ट को भी आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। सो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पर्सन एंड आफ्टर दैट मैंने एमटेक किया है इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसके बावजूद जैसे ही मैं पास आउट हुई, मेरी शादी फिक्स हो गई और उस ड्यूरेशन में मेरा एक साल गया। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में मेरा एक साल गया। फिर उसके बाद कहीं जाके मैं एक जॉब ज्वाइन किया जहाँ पे मैं एज अ सर्विस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, वो एक्सपीरियंस लिया मैंने। उसके बाद मैं गोदरेज में लगी एज अ परचेस डिपार्टमेंट, बिकॉज मुझे पहले से ही परचेस डिपार्टमेंट में ही काम करना था। और उसके बाद समझ सकते हैं कि थोड़ी मेहनत के बाद मुझे एक अच्छा जॉब, जो कंसिस्टेंट जॉब रहता है, वो मिल पाया है इन आदित्य बिरला। सो आदित्य बिरला इज़ अ कंपनी विच इज स्प्रेड इन 100 कंट्रीज। इनके 62 प्लांट्स जो है वो इटसेल्फ इन इंडिया है। आदित्य बिरला एक ऐसी कंपनी है जो पल्प एंड फाइबर की सबसे फर्स्ट एक कंपनी है जो विस्कस फाइबर बनाने वाली है, और जो स्वतंत्र अपने देश को जब स्वतंत्र मिला उसके तुरंत ही, उसके पहले ही उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ गया था। फिर उसके बाद अल्ट्राटेक, जैसे कि आप जानते हैं, जो मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर है, मीन्स जो प्रॉफिट होल्डिंग अल्ट्राटेक मीन्स आदित्य बिरला का है, वो अल्ट्राटेक ने लिया है। उसके बाद मेटल हिंडाल्को भी एक कंपनी है, ग्रासिम आदित्य बिरला की कंपनी है। सो इस तरीके से ये आदित्य बिरला का बिजनेस ये स्प्रेड हो चुका है। मैं जो जिस कंपनी में काम करती हूँ वो है सेलुलोज डिवीजन, जो फाइबर बनाती है, और ये गुजरात के भरूच जिले में विलायत ए गाँव में है। वहाँ पे आपको एक केमिकल डिवीजन भी मिलेगा और ये सेलुलोज डिवीजन में मिलेगा। सो अभी हम आगे मूव करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप ये अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं जॉब के लिए। सो बेसिकली अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप वाया naukri.com और वाया किसी भी कंसल्टेंट सर्विसेज के थ्रू ग्रासिम के मीन्स जॉब जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी वेबसाइट पे करियर का ऑप्शंस रहता है, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकलती है, तो वहाँ पे जाके भी आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। जब वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको अपने आप कॉल आ सकता है। सो मेरी जो जर्नी थी, मैंने एक naukri.com से अप्लाई किया था और एक कंसल्टेंसी थ्रू था, मतलब मैंने जस्ट एक अप्लाई कर दिया एंड देन कंसल्टेंसी ने मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट किया और फिर मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन एक ग्रासिम के लिए हुआ है। सो एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि मीन्स ग्रासिम में मैं कर पाऊँगी कि नहीं या कैसा सब रहेगा, बट मैंने सोचा कि चलो देते हैं, करते हैं। सो मैंने जस्ट यू ही उनके इंटरव्यूज़ जो थे वो देती गई एंड उनके राउंड्स क्लियर करती गई एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। सो आप इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, ये हुई जो जॉब करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। पर जो लोग फ्रेशर है, आदित्य बिरला एक बड़ी कंपनी है, सो वो एक इन कैंपस भी राउंड लेती है बड़े बड़े कॉलेजेस में। सो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो एक जानकारी देने वाला रह सकता है।
सो आज अभी मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, आपको ग्रासिम में जाना है या आदित्य बिरला के किसी भी ग्रुप में जाना है, तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिज्यूमे रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बताने वाली हूँ, ये सब पॉइंट्स हैं एक्सपीरियंस लोगों के लिए। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक एचआर राउंड होगा, जिस एचआर राउंड में वो आपके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जॉब हिस्ट्री क्या है, वो सब जान लेगी। जो एचआर राउंड में जो एचआर रहेंगे वो इस बारे में जान लेंगे। फिर उसके बाद वो आपको एक टेक्निकल राउंड के लिए बुलाएंगे। टेक्निकल राउंड में वो आपका एक इंटरव्यू सेट करेंगे आपके डिपार्टमेंट हेड के साथ या फिर जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का आपका पोजिशन रहेगा उसके साथ। सो आपको उसमें कम्प्लीटली टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं परचेस में हूँ तो मुझे परचेस रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है, मुझे SAP आता है या नहीं आता है, फिर मटेरियल मैनेजमेंट क्या रहता है, ये सब चीज़ें सब पूछी गई थी। अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आपको बनाऊंगी, बस आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए। उस टेक्निकल राउंड आपने अगर क्लेरिफाई कर दिया, फिर उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो राउंड होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। यस, एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप एक्सपीरियंस वाले भी हैं स्टिल आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत से क्वेश्चंस जो है वो क्वांट्स रिलेटेड, बेसिक मैथ्स रिलेटेड, फिर उसके बाद रीजनिंग रिलेटेड रहते हैं, और उसमें भी रिस्पेक्टिव जैसे टाइम डिस्टेंस है, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस है, टाइम रिलेटेड है, उसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चंस भी आता है, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड आते हैं, प्रॉफिट लॉस है, प्रोबेबिलिटी है, एज बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, ज्योमेट्री रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं। सो आपको ये सभी पॉइंट्स में आपके एक साइड बाय प्रिपरेशन रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्री पर्पस। वो होने के बाद आपका एक राउंड होगा फैक्ट्री हेड के साथ या फिर जो भी रिस्पेक्टिव हेड रहेगा, मीन्स एक राउंड आपका टेक्निकल तो होता ही है, उसके बाद और एक राउंड होगा जिसमें आपके साथ वो सैलरी रिलेटेड या आपके मतलब साइकोलॉजिकली वो आपके बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि ये बंदा काम कर सकता है या नहीं है, ही सुटेबल और नॉट फॉर द जॉब। ये राउंड होगा FH राउंड। उसके बाद आपका मेडिकल राउंड होता है। मेडिकल राउंड में उन्होंने जो टेस्ट बताई जाती है वही टेस्ट अपने को सब करनी पड़ती है, वो उसमें भी आप क्लियर्ड होने चाहिए, अदरवाइज वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मीन्स क्राइटेरिया, बिकॉज हम इग्नोर कर देते हैं कि मेडिकली इतना चेक नहीं करते होंगे, बट सभी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बड़ी कंपनियों में ट्राई कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है अगर आप सभी प्रोस्पेक्टिव में परफेक्ट हो तो। अभी मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि जैसे अगर आपका सभी राउंड क्लियर हो गए, आप मेडिकली फिट हो गए, बट आपका अगर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं क्लियर है तो यू आर नॉट गेट सिलेक्टेड। तो ये है और ये हो चुका है। सो आप पहले से ही कम्प्लीटली प्रिपेयर रहिए अपने रिज्यूमे के रिज्यूमे को लेकर और सभी चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूली ज्वाइन या न्यूली पास आउट जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए। सो आदित्य बिरला ग्रुप, ये कैंपस सिलेक्शंस भी होता है उनके, इनका जो केमिकल सेक्टर है, सेलुलोज डिवीजन है या फिर सीमेंट डिवीजन है, तो रिस्पेक्टिव ब्रांच के कॉलेजेस में इनका विजिट होता है, इनके HR राउंड होते हैं। फिर वहाँ पे भी आपको बेसिक जो क्राइटेरिया है वो 65% एंड अबाउ इन योर ग्रेजुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपका इन हाउस इन कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका GD होगा। GD में आपको जो लेटेस्ट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स रहेंगे उस पर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, उससे भी वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से एक HR राउंड होता है जिसमें वो आपको HR रिलेटेड मींस जो सैलरी रिलेटेड रहता है या फिर मींस आपको जो जॉब का जो ओवरव्यू रहता है वो आपको वो देंगे। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको एक जैसे कि आप जान सकते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड्स के रिलेटेड, कि आप सिचुएशनल कैसे डील कर सकते हैं, वो एक राउंड होता है। और ये सब राउंड्स होने के बाद यू आर गॉट सिलेक्टेड टू द आदित्य बिरला। सो अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो अभी मेरे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर कि केमिकल में उसका अभी इंटरव्यू है,
तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या राउंड्स रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए जाएंगे। फिर अभी जो उनका टेक्निकल राउंड रहेगा तो उसमें वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे केमिकल डिवीजन के लिए। सो केमिकल में यहाँ पे जो बनता है वो है कॉस्टिक सोडा। सो आपकी जो बेसिक प्रोसीजर रहती है कि केमिकल की जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है या किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है उसके, उसके बेसिक केमिकल प्रोसेस क्या है, वो सब इलेक्ट्रोलाइसिस आप अच्छे से डीपली। सो जैसे कि आपको पता है कि आपका केमिकल डिवीजन के लिए इंटरव्यू होने वाला है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स है वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके न्यू प्रोडक्ट्स कौन से आने वाले हैं और उसके बेसिक प्रोसीजर क्या है उसके बारे में आप पूरा पढ़ के जाइए। कॉस्टिक सोडा बना रहे हैं तो कॉस्टिक सोडा के बेसिक प्रोसीजर क्या है वो सब पढ़ के जाइए। उसके बाद आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके की मशीन्स लगती है, किस कौन तरीके का टेम्परेचर वेम्परेचर उसके पैरामीटर्स रहता है, वो सब किस तरीके से सेट किया जाता है टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट, वो सब आप पढ़ के जा सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिलेटेड आप थोड़ा प्रिपेयर होके जा सकते हैं। एंड जो आपका एचआर राउंड है उसके भी आप ट्रिकी क्वेश्चंस जो है, जैसे एचआर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं कि हम हर बार आंसर नहीं कर पाते, वो भी आप प्रॉपरली करके जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एचआर राउंड में आता है वो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये जो है वो आप बहुत लेंदी ना करके एक शॉर्ट में स्वीट सा एक आपके रिलेटेड जो है एक 10 लाइन्स का एक पैराग्राफ बस, उतना ही आप उनको बताइए। ज़्यादा मत बताइए कि आपके मम्मी पापा ये वो, उतना रिलेटेड उनको मतलब अनलेस एंड अंटिल वो आपके आगे आके पूछते हैं आप उनको मत बताइए। और जो आपके अचीवमेंट्स है लाइफ में वो आप बताइए कि आपका मीन्स आपका कहाँ पे आपने अचीवमेंट लिया है, कुछ कोर्सेस किया हो वो बताइए आपके रिज्यूमे में, आपके फर्स्ट जो इंट्रोडक्शनल पार्ट रहता है उसमें। ये रहा आपके लिए मेरे आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूँगी।